दोस्तों, इजराइल ने गाजा पट्टी के 20 लाख लोगों से कहा है कि वो 24 घंटे के अंदर गाजा पट्टी को खाली कर दें। इस पर दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से ये कहा गया कि यह संभव ही नहीं है कि 24 घंटे के अंदर इतने सारे लोगों को जो है वो गाजा पट्टी से बाहर निकाला जा सके। और इजिप्ट ने पहले ये कह दिया है कि अगर गाजा पट्टी से लोग बाहर निकले तो फिर इसराइल जो है उनकी जमीन पर कब्जा कर लेगा और इजिप्ट ने पूरी तरह से अपने जो बॉर्डर है उसको सील कर दिया है। ऐसी स्थिति में जब एंटनी गुटेरेस जो कि संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब जो है गाजा पट्टी के हित के लिए बात कही और ये कहा कि जो वहां पे लोग रह रहे हैं उनको निकालना इतनी जल्दी संभव नहीं है, तो उस पर जो है इसराइल का गुस्सा फूट पड़ा है संयुक्त राष्ट्र के अंदर। और संयुक्त राष्ट्र के अंदर इसराइल के जो दूत हैं उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो सीधे सीधे संयुक्त राष्ट्र को फटकार भी लगाई है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है जो उनके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही कहा कि इस बार वो मिडिल ईस्ट का मैप बदल देंगे, तो उन्होंने कहा है कि इस बार वो जो है दुनिया के कई इस्लामिक देशों जो कि उनके खिलाफ हैं वो इस्लामिक देश उनका नक्शा बदल देंगे। गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर। पिछले दिन प्रत्येक इजरायली के लिए विनाशकारी रहे हैं। इसराइल को एक अभूतपूर्व हमले का सामना करना पड़ा है और पिछले दो दिनों में इसराइल पर हमास के आश्चर्यजनक हमले के बाद हताहतों की संख्या वास्तव में अथाह है। मेरे देश को कल सैकड़ों लोगों की मौत का सामना करना पड़ा है। यहूदी की सुबह और यहूदी छुट्टी के दिन बर्बर हमास आतंकवादियों ने इसराइल में हजारों रॉकेट दागे, लेकिन यह केवल एक शुरुआत थी क्योंकि रॉकेट इजरायली कस्बों और शहरों पर अंधाधुंध बरस रहे थे। सैकड़ों हमास आतंकवादियों ने इसराइल में घुसपैठ की और फिर से एक बर्बर हमला शुरू कर दिया। अद्वितीय परिमाण का क्रूर कार्यक्रम। निर्दयी आतंकवादियों ने सड़कों पर निर्दोष इजरायली नागरिकों को गोली मार दी, किसी भी चीज की हत्या कर दी। मैं आपको केवल एक उदाहरण दिखाऊंगा। बस एक बस स्टॉप में सड़क पर बिखरे हुए महिलाओं के शवों की इस तस्वीर को देखें। ठंड में निर्दोषों की हत्या कर दी गई, कोल्ड ब्लड मर्डर किया गया। इन जानवरों जैसे आतंकवादियों ने घरों में घुसकर पूरे परिवारों को कमरे में इकट्ठा किया और उन्हें गोली मार दी, जैसे कि वो कीड़े हों। दादा दादी बुजुर्गों को कुचल दिया गया। नाजियों के नरसंहार से बचे लोगों को इस बार हिंसक तरीके से उनके घरों से खींच लिया गया और ले जाया गया। सर्वाइवर की तस्वीर दे सकते हैं। इस दादी को हमास आतंकवादी राइफल पकड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है क्योंकि वह उसके साथ एक तस्वीर ले रहा है। ये अमानवीय है। माताओं और उनके बच्चों के साथ साथ उनकी माताओं से अलग किए गए बच्चों के साथ क्रूरता पूर्वक व्यवहार किया गया था, उनको बंधक बना लिया गया था। बस इस वीडियो को देखें। अब ये मां रो रही है क्योंकि वो अपने दो अनमोल बच्चों को गाजा के लिए एक ट्रक में बिठाने से पहले रो रही थी। ये युद्ध अपराध है, स्पष्ट रूप से प्रलेखित युद्ध अपराध है, लेकिन दुखद रूप से घृणित कार्य यही समाप्त नहीं होते हैं। हमास के आतंकवादियों ने हमला किया है। सैकड़ों युवा इजरायलियों को एक आउटडोर पार्टी जो छुट्टियां मना रही थी, इन बर्बर लोगों ने 1940 के दशक में नाजी मौत के दस्तों की तरह ही यहूदी यात्रियों को गोली मार दी है, सैकड़ों लोगों को मार डाला है, उनके शरीर को छत विछत और अपवित्र कर दिया गया, और जो बच गए उन्हें गाजा ले जाया गया।
इस युवा लड़की को चिल्लाते हुए सुने, उसका अपहरण कर दिया गया है, उसे उसकी सहेली से अलग कर दिया गया है, उसे नहीं पता कि भाग्य उसका क्या इंतजार कर रहा है। इस स्थिति की भयावहता को समझने की कोशिश करें, क्रूर अमानवता को डाइजेस्ट कैसे करें। मैंने चौंकाने वाले फुटेज देखे हैं, ग्राफिक छवियां जो मेरे दिमाग में हमेशा के लिए अंकित हो जाएंगी। हम जो देख रहे हैं वो युद्ध है, अपराध, जबरदस्त बर्बर युद्ध अपराध, नागरिकों का कत्लेआम, बंधकों के साथ दुर्व्यवहार, उनके बच्चों को उनकी माताओं से छीनना, ऐसी बर्बरता का वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं कल्पना नहीं करना चाहता कि गाजा में बंदी बनाए गए उन सभी निर्दोष इसराइली लोगों के साथ अभी क्या हो रहा है। भयावहता है ये, इसे देखो। ये एक महिला को ले जा रहे हैं पकड़कर, हमास के आतंकवादी, अल्लाह अकबर बोलते हुए। दिस इज ये इज़राइल का 9/11 है, ये इज़राइल का 9/11 है, और इज़राइल हमारे बेटों और बेटियों को घर वापस लाने के लिए सब कुछ करेगा। ये तस्वीरें भयावह हैं, उन्हें देखना मुश्किल है, और वो हैं, पूरी तरह से आत्मसात करना असंभव है, लेकिन मैं आपको ये सब एक कारण से दिखा रहा हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कई सदस्य इसराइल का समर्थन कर रहे हैं, हाँ, लेकिन अगर इतिहास ने हमें कुछ भी सिखाया है तो हम जानते हैं कि कल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और विशेष रूप से ऐसा नहीं हो सकता है। जब इसराइल की बात आती है तो संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद की याददाश्त बहुत कमजोर हो जाती है, जिसे जिस आतंक को हम सहते हैं वह तुरंत एक साइड नोट बन जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। हम दुनिया को हमारे देश पर हुए अत्याचारों को भूलने नहीं देंगे। मैं चाहता हूं कि आप सभी ऐसा याद रखें कि इसराइल वर्तमान में दुनिया के साथ युद्ध में कौन कौन से क्रूर दुष्ट हैं। ये मत भूलो कि आज आपको क्या दिखाया गया है। हमास एक नरसंहारक इस्लामवादी जिहादी आतंकवादी संगठन है, ये ISI से अलग नहीं है, ये अलकायदा से अलग नहीं है, ये इस्लामिक स्टेट से अलग नहीं है। नरसंहार जिहादी के साथ कोई तर्क नहीं करना चाहते, वो कोई बातचीत नहीं करना चाहते, वो बातचीत नहीं करना चाहते, वो एक बात और एक बात चाहते हैं, केवल यहूदियों का संपूर्ण विनाश, यहूदी राज्य का विनाश। ये हमास के राज्य का एक चार्टर है, चार्टर का सीधा उद्धरण है। न्याय का दिन तब तक नहीं आएगा जब तक मुसलमान यहूदियों से लड़ेंगे और उन्हें मार नहीं डालेंगे, यही है हमास का चार्टर। और इसमें यह भी कहा गया है कि जब भी कभी किसी मुसलमान को का किसी यहूदी से सामना हो तो उसे अवश्य ही मार देना चाहिए। हमास का चार्टर इसे अपने अंदर समाहित कर लेता है। वो मुझे काटना चाहते हैं, वो मेरे बच्चों को, मेरे लोगों को और मेरे राष्ट्र को काटना चाहते हैं। वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो एक एक की हत्या नहीं कर देते हम, और यही कारण है कि ये अत्याचार इसराइल का 9/11 है। अब से कुछ भी वैसा नहीं होगा जैसा कि आपसे वादा करता हूं कि आज हम उस प्रतिमान को तोड़ रहे हैं, हम 17 वर्षों के लिए समीकरण बदल रहे हैं। जब से इसराइल ने गाजा से एक तरफा वापसी की है और जब से हमास दुनिया की सत्ता में आया है, इन आतंकवादियों को समझाने की कोशिश की है, बर्बर आतंकवादियों, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने गाजा के पुनर्वास के लिए दसियों अरब डॉलर की सहायता दी है,
not go to building schools. मित्रों, ये धन स्कूल अस्पताल के निर्माण में नहीं गया, इसका उपयोग केवल आतंक के लिए किया गया। It was exploited. इसका उपयोग केवल आतंक के लिए किया गया। गाजा का हर इंच हमास का हिस्सा बन गया है। वॉर मशीन एक युद्ध मशीन है, हमास एक युद्ध मशीन बन गई। और आप जानते हैं कि ये पैसा बदलने योग्य है। ये गाजा में प्रवेश करता है और फिर ये सीधे आतंकी सुरंगों, रॉकेट लॉन्चर पैड, मिसाइल निर्माण स्थलों और अन्य आतंकी बुनियादी ढांचे के निर्माण में लग जाता है। आर्थिक प्रोत्साहन नरसंहार की विचारधाराओं को नहीं बदल सकते हैं। मैं दोहराता हूं कि आर्थिक प्रोत्साहन नरसंहार की विचारधाराओं को नहीं बदल सकते हैं। ये कर सकते हैं। मैंने इस्लामिक स्टेट के साथ काम नहीं किया है, ये अलकायदा के साथ काम नहीं कर सकता था, ये इस्लामिक स्टेट के साथ काम नहीं किया, ये हमास के साथ भी काम नहीं कर सकता है। इन बर्बर लोगों के साथ तर्क करने का युग खत्म हो गया है। अब समय आ गया है कि हमास के आतंकी ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए, ताकि ऐसी भयावहताएं खत्म हो जाएं, फिर कभी ना हो। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसराइल का अपना पूर्ण समर्थन देना चाहिए। मेरे शब्दों पर ध्यान दे, इसराइल पर आज हमला हो सकता है, लेकिन यह केवल इसराइल के खिलाफ या उसके खिलाफ युद्ध नहीं है। यह मुक्त दुनिया का एक युद्ध है। यह नागरिक सभ्यता पर एक युद्ध है। इसराइल आतंक के खिलाफ युद्ध में सबसे आगे है, और अगर हम सफल नहीं हुए तो पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि सुरक्षा परिषद आज बैठक करने की तैयारी कर रही है। इसराइल की एक आत्मा की मांग है कि हमास के युद्ध अपराधों की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए, इस अकल्पनीय अत्याचार की निंदा की जानी चाहिए, इसराइल की निंदा होनी चाहिए। स्वतंत्र विश्व की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए दृढ़ समर्थन किया जाना चाहिए। इसराइल किसी भी निर्दोष आतंकवादी समूह और इसराइल के लोकतांत्रिक राज्य के बीच किसी भी झूठी अनैतिक तुलना को स्वीकार नहीं करेगा। यह वह तुलना नहीं है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कर सकती है। क्या नरसंहार करने वाले आतंकवादियों के साथ कोई समझौता हो सकता है? क्या इसराइल हमास पर भारी कीमत वसूल करेगा? इसराइल हमास से भारी कीमत वसूल करेगा, वो जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। नरसंहार के मद्देनजर खुद को दोबारा ना दोहराएं। दुनिया ने कसम खाई है कि ये वही निकाय है जिसे संयुक्त राष्ट्र अभी तक नरसंहार की राख पर स्थापित किया गया था। यानी ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसको नरसंहार द्वितीय विश्व युद्ध की राख पर स्थापित किया गया था। हमने देखा कि सैकड़ों यहूदियों को बेरहमी से मार डाला गया था, होलोकॉस्ट हुआ, उसमें लाखों यहूदी मारे गए। हम नर्म लोग हैं और हमने अतीत में कठिनाइयों का सामना किया है। हमने हमेशा अपनी चुनौतियों पर काबू पाया है, और आज भी कुछ अलग नहीं होगा। इसराइल जवाबी हमला करेगा और इसराइल जीतेगा। धन्यवाद। Do you expect a unity statement out of the council? And if not, which countries do you think might resist that? And can you tell us anything about hostages, including Israelis and Americans and other nationalities? Thank you. What was your second question? Are there American hostages? Regarding American hostages, I can't... अमेरिकी बंदूकों के बारे में मैं अभी विस्तृत जानकारी नहीं दे सकता। Obviously, you know, it's an ongoing war now and